छठ पर्व आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। संतान की सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना के लिए मनाया जाने वाला छठ पूजा बिहार और झारखंड के निवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इसका उत्साह पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार महामारी का प्रकोप होने के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पाबंदियां लगाई गई है। इसके बावजूद भी लोगों का जुनून और आस्था कम होते नहीं दिख रहा है। आस्था का महापर्व छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 20 नवंबर 2020 शुक्रवार को है। सूर्य उपासना के इस पर्व को प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। चार दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान करके नए कपड़े पहनती हैं और पूजा के बाद चना दाल कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। नहाए खाए के दिन भोजन करने के बाद अगले दिन शाम को खरना पूजा होती है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं और इसी के साथ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी यानी छठी मैया का आगमन हो जाता है। महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे छठ पर्व मनाते समय शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, महिलाएं अपने घर में या घर के पास ही पूजा पाठ करें। हालांकि जहां घाट और तालाब हैं वहां स्थानीय प्रशासन को उचित प्रबंधन करने को कहा गया है। नदी तालाब के किनारे शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।